सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस मैं आज आप सभी के लिए यहाँ पे ICICI बैंक की तरफ से जॉब वैकेंसी के अपडेट लेके आ चुका हूँ। सारी वैकेंसी निकल के आ चुकी है और आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि गाइस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ कि कैसे यहाँ पे ICICI बैंक में नौकरी के लिए जॉब के लिए आवेदन करना है। इसके साथ साथ गाइस मैं यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। बहुत कर्मचारी चाहिए हाँ गाइस, यहाँ पे ICICI बैंक में बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता निकल के आ चुकी है, बहुत सारी भर्तियां निकल के आ चुकी है। काम यहाँ पे आपको सिर्फ 8 घंटे का करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी आवर रहेगा। महिला पुरुष मेल फीमेल सभी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पे आप लोग जो देख रहे 35,000 गाइस से लेके ग्रेजुएशन हर कोई यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे 10वीं पास लोगों के लिए थोड़ा कम सैलरी वाली जॉब आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, 12वीं पास लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा सैलरी वाली जॉब देखने को मिल जाएगी, और ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे आप लोगों को 35,000-40,000 वाली जॉब देखने को मिल जाएगी। आपको अपने शहर में ही यहाँ पे काम मिल जाएगी। अगर इस यहाँ पे भारतवर्ष के लगभग हर एक सिटीज में जॉब निकल के आ चुकी है, आपको अपने निकटतम शहर में ही यहाँ पे काम मिल जाएगा। तो यहाँ पे ICICI बैंक में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। एप्लीकेशन मोड की बात कर ले तो थ्रो ऑनलाइन मोड ही यहाँ पे आप लोग को आवेदन करना है, कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करना है, एब्सोल्युटली फ्री टू अप्लाई इन ICICI। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी है। फंक्शन यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे, रिटेल बैंकिंग वॉकिंग, और यहाँ पे ये जो है चेन्नई के लिए निकल के आ चुकी है। लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। एक्सपीरियंस जो यहाँ पे 1 साल से 12 साल मांगा गया है। अभी यहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर की और एक वैकेंसी है, ये जो है यहाँ पे मॉर्गेज के लिए निकल के आ चुकी है। फंक्शन की बात कर लो तो सेल्स एंड रिलेशनशिप के लिए निकल के आ चुकी है। लोकेशन की बात कर लो तो चेन्नई, बेंगलुरु, तमिलनाडु, केरला, ये सब लोकेशन में ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो गाइस यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे 0 to 9 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। हाँ गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग फ्रेशर से 0 ईयर आपका एक्सपीरियंस है तभी भी आप लोग ये वाला जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख ही पा रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं रिलेशनशिप मैनेजर मॉर्गेज की और एक वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे, फंक्शन की बात कर ले तो सेल्स एंड रिलेशनशिप फंक्शन में निकल के आ चुकी है। लोकेशन की बात करें तो गोवा, नागपुर, नासिक, पुणे, औरंगाबाद, तो गाइस ये सब लोकेशन में आप लोग को ये वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस जो है 0 to 9 ईयर्स। हाँ गाइस, यहाँ पे अगर आप लोगों का 0 ईयर एक्सपीरियंस है तभी भी आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आप लोग अगर फ्रेशर्स है तभी भी आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये वाला जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, ब्रांच सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है। फंक्शन जो है यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे, सेल्स एंड रिलेशनशिप में आप लोगों को काम करना है। लोकेशन की बात कर ले तो गुजरात, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, सूरत, ये सब लोकेशन में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अच्छी तरह से देख लीजिए, गुजरात, इंदौर, भोपाल, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, सूरत। तो गाइस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, यहाँ पे भारतवर्ष के लगभग हर एक सिटीज में वैकेंसीज निकल के आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग अपने शहर में ही काम प्राप्त कर सकते हैं, अपने जो है निकटतम शहर में ही यहाँ पे आप लोगों को काम मिल जाएगी। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 9 ईयर्स, यानी कि इसमें भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। आप लोग बिल्कुल फ्रेशर से आप लोग इसमें जो है बहुत ही आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करें तो ब्रांच सेल्स मैनेजर की वैकेंसी है। फंक्शन जो है सेल्स एंड रिलेशनशिप रहेगी। आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, विजयवाड़ा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, ये सब लोकेशन में ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 9 ईयर, इसमें भी यहाँ पे फ्रेशर्स मांगा गया है। टीम लीडर की वैकेंसी आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे, फोन बैंकिंग में ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। फंक्शन की बात करें तो सेल्स रिलेशनशिप आप लोग यहाँ पे जैसे कि देख ही पा रहे। लोकेशन की बात करें तो गुवाहाटी, चेन्नई, इंदौर, भुवनेश्वर, थाने, तो गाइस ये सब लोकेशन में ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल जाएगी। अच्छी तरह से देख लीजिए, गुवाहाटी, चेन्नई, इंदौर, भुवनेश्वर, थाने। एक्सपीरियंस की बात करें तो 0 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंस। गाइस अगर आप लोग फ्रेशर से, आप लोग इसमें जो है बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे लगभग हर एक सिटीज में वैकेंसी निकल के आ चुकी है। आप लोग बहुत ही आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन आवेदन कर पाएंगे। तो कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, यानी कि आप लोग भारतवर्ष के किसी भी राज्य, किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से आवेदन कर पाएंगे। बात कर ले तो 10वीं पास से लेके यहाँ पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हर कोई आवेदन कर पाएंगे। हर किसी के लिए वैकेंसी अवेलेबल है। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम तो 18 होना ही चाहिए, मैक्सिमम 45 वर्ष की आयु तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ICICIcareer.com। गाइस यहाँ पे हम लोग आपको कभी भी झूठी जॉब्स नहीं दिखाते। यहाँ पे आप लोग ऊपर में जो वेब एड्रेस देख सकते हैं, गाइस यहाँ पे आप लोग ICICI करियर के डायरेक्टली ऑफिशियल करियर पेज में आप लोग जो है रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी हर एक जॉब। मैंने जितना भी जॉब्स भी यहाँ पे आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख पा रहे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सेल्स, हर एक जॉब यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो मैं किसी भी एक जॉब में जस्ट डेमो के लिए आवेदन करके दिखाऊंगा। जैसे मुझे ये वाला जॉब चाहिए तो मैं इसमें यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, इसके बाद इस जॉब का पूरा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो है अपने योग्यता वगैरह चेक कर लेना है। कर लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है आप लोगों को अप्लाई हेयर वाला बटन में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आप लोग को यहाँ पे जो है
साइन इन करने के लिए बोलेगा, लेकिन आप लोगों के पास कोई भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप लोगों को पहले साइन अप पे क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं ये वाला बटन, तो जैसे ही आप लोग इसमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे आप लोग के सामने यहाँ पे और एक फॉर्म जो है यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और यहाँ पे आप लोगों के सामने ये फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। तो गाइस मैं अभी आपको पूरा जो है यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है छोटा कर देता हूँ, आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा, आप लोग यहाँ पे बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, पहले एक रिज्यूमे अपलोड कर देना है। आप लोग यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं आप लोग रिज्यूमे, तो ब्राउज में क्लिक करके यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड कर देना है। गाइस यहाँ पे अगर आपके पास रिज्यूमे नहीं है, रिज्यूमे कैसे बनाना है वो भी मोबाइल फोन से प्रोफेशनल रिज्यूमे, उसका अगर फुल डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे लिए रिज्यूमे वाले वीडियो लेके आइए, मैं जरूर लेके आ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आप लोग को जो है अपना टाइटल वगैरह सिलेक्ट करना है, यहाँ पे अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ये सब देना है। यहाँ पे जेंडर जो है मेल आ जाएगा टाइटल सिलेक्ट करने के बाद। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो दीजिए, लास्ट नेम दीजिए, ईमेल आईडी लिख दीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख दीजिएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को जो है आप लोगों को खुद सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो है जैसे कि देख पा रहे पैन नंबर, आप लोग इसको यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। इसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दे देना है, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो इसको भी दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो है सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट में क्लिक कर देंगे आप लोगों को यहाँ पे सक्सेसफुली आवेदन हो जाए।